नमस्ते दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको बहुत ही प्यारा नेक बनाना सिखाएंगे। इसको होल्डर नेक कहते हैं। ये हम 5 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। अब गर्मियों का मौसम आया है तो आप ये वाला नेक किसी भी ड्रेस में यूज कर सकते हैं। तो पहले हम निशान लगा लेंगे, जिस तरह नॉर्मल चोली पर निशान लगाते हैं फ्रॉक की या कुर्ती वगैरह की, उसी तरह निशान लगाएंगे पहले। इसके लिए मेजरमेंट लिया है, चेस्ट 25 इंच, वेस्ट 21 इंच, शोल्डर 10 इंच। वेस्ट की जो लेंथ रखेंगे, चोली की लंबाई वो भी 10 इंच रखेंगे। ये यहाँ से और यहाँ तक हमारा 10 इंच है और ऊपर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे। यहाँ पर शोल्डर का हाफ, हाफ इंच प्लस। ये तो हमने नॉर्मल निशान लगाए हैं, जिस तरह हम अपनी फ्रॉक वगैरह पे लगाते हैं, लेकिन इसका नेक जो है वो हमने ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसकी गोलाई रखेंगे। जितनी चौड़ी आपको यहाँ पे पट्टी रखनी है उतनी चौड़ी पे आप निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि सिलने के बाद वो 1 इंच पर आ जाएगी। जो हमने आर्म होल की गोलाई ली है वो यहाँ पर मिला दी है। तो ये जो होल्डर नेक है वो हमारी कटिंग इस तरह होगी। यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच रखा है। अब इसका बैक कट करेंगे। बैक हम केवल जितना हमारा ये पोर्शन है इतना ही कट करेंगे। जहां पर ये हमारा आर्म होल खत्म होता है वहां पर हम ये कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे आएगा। अब हम इसका नेक किस तरह तैयार करेंगे। अब हम इसमें से स्टेप कट करेंगे बैक में बांधने के लिए। पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे दोनों के ऊपर। इस तरह हमने अपनी ये स्टेप तैयार कर ली है। अब हम ना नेक लेंगे, फ्रंट वाला फैब्रिक रखेंगे, फिर अपना ये नेक रखेंगे, इसको तैयार करेंगे। ये हमें सीधे की साइड सीधा रखना है। और जो हमने ये स्टेप तैयार की है इनको अंदर की साइड सेट कर देंगे। जैसे ये हमारा शोल्डर है, इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें भी सिलाई लगानी है दोनों साइड। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर और आर्म होल के ऊपर, इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने ये सिलाई लगा ली है नेक के ऊपर और आर्म होल के ऊपर और यहाँ शोल्डर के ऊपर। अब ये कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ पर हमने इतनी ही सिलाई ली है जितनी हमारी ये स्टेप थी।
और अब एक सिलाई लगा देंगे हम ये आर्म होल के ऊपर, नेक के ऊपर दोनों साइड। इस तरह हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और ये हमारा फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया है। अब हम इसका बैक पीस तैयार करेंगे। ये हमने बैक पीस लिए है और एक पट्टी ली है। पहले एक पट्टी इसके ऊपर सेट, जो हमारा आर्म होल की साइड का है पोर्शन, वहां पर हम ये पट्टी सेट करेंगे। इसको भी हम सीधे की साइड सीधा ही रखेंगे। इस तरह हमने ये ऊपर की साइड जो पट्टी सेट की थी उसको बराबर किया और एक सिलाई लगा दी इसके ऊपर। अब हम इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे। इसको हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे जिस तरह हम नेफा फोल्ड करते हैं, और इसमें इतना गैप रखेंगे जो हमारी बारीक इलास्टिक आ जाए। ये हमने इलास्टिक लिए बारीक वाली, जितनी हमारी ये है उससे थोड़ी कम इलास्टिक लेंगे। हम ये 4-5 इंच कम लेंगे इलास्टिक को। इस तरह हमने ये बैक पीस में इलास्टिक डालनी है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे फ्रंट पोर्शन में। तो फ्रंट पोर्शन को इस तरह रखेंगे, सीधा रखेंगे इसको, और ये वाला पीस इसके ऊपर आ जाएगा सीधे की साइड सीधा। और यहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे, और जितनी हमारी फिटिंग है, हमने यहाँ पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो 1-1 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इस तरह हमने ये बैक का पीस इसमें जॉइंट कर लिया है और ऊपर का पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। नीचे आप इसमें अगर फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे फ्रॉक में घेर लगते हैं उसी तरह लगा सकते हैं। हम इसको टॉप बनाएंगे, तो टॉप के लिए हमने ये तिकोना पीस कट किया है अपना, और दोनों साइड इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये वाले जो पीस है हम अपने घेर ऊपर की चोली में ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हम ये ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला देंगे। इस तरह हमने नीचे ये तिकोने पीस कट किए हैं और साइड से कटिंग की, जो साइड में हमने जॉइंट लगाया है और यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो हमारा ये टॉप बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने के बाद। हमारा ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो यहाँ पर आप पिको कर सकते हैं या इसको फोल्ड भी कर सकते हैं बारीक बारीक। और ये नेक इस तरह आएगा, इसको नेक में डाल के और ये पीछे की साइड इसके नोट बांध लेंगे। और नेक हमारा इस तरह आ जाएगा, और जो ये बैक साइड हमने इलास्टिक डाली है तो इससे हमारी बैक सही आएगी फिटेड। तो हमारा ये क्रॉप टॉप तैयार हो गया है। तो आप भी अगर अपनी बेबी के लिए कोई ड्रेस बना रहे हैं तो आप भी इस तरह का होल्टर नेक बनाकर जरूर ट्राई करना। जो ये तिकोना पीस कट किया है वो हमने इस तरह किया है, इसको इस तरह फोल्ड कर लिया। जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उतना फोल्ड कर लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। ये हमारी लेंथ होगी।
उतना इसको इस तरह फोल्ड करेंगे चार तह में, और यहाँ पर जितने हमारे घेर हैं उसके बाद जो बचा है उसको हम इस तरह कट कर देंगे। तो ये हमारे साइड में सिलाई आ जाएगी और ये बीच में घेर ज्वाइंट हो जाएंगे और ये वी शेप आ जाएगी। तो इस तरह हमने जो नीचे का घेर है ये कट किया है, ये हमारे दो पीस है, बीच में से इसको कट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।